एक पोस्ट ऑफिस में मगन चाचा काम करते। उनका काम था कि जिन चिट्ठियों पर ऐसे हैंडराइटिंग हो जिसमें कुछ समझ ना आता हो, उन चिट्ठियों को देखना, उनकी जांच करना। तो एक चिट्ठी आकर पड़ी थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था भगवान। उसके आगे कुछ भी नहीं, मतलब किसने भेजा है उसका नाम भी नहीं था। तो मगन चाचा ने सोचा और उस चिट्ठी को खोल के पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा हुआ था कि हे भगवान, मैं 90 साल की औरत हूँ, पेंशन आता है हर महीने 5,000 रुपए, लेकिन इस बारी जिस बटुए में वो पेंशन के पैसे रखे थे वो चोरी हो गया। अब मेरे पास पैसा भी नहीं है और जो अभी दिवाली आ रही है तो मेरे कुछ दोस्त किसी और शहर से ही मुझे देखने और मुझे दिवाली की मुबारकबाद देने आ रहे हैं। मैं खुद क्या खाऊंगी ये मुझे पता नहीं है, तो उन्हें क्या खिलाऊंगी इस चिंता में हूँ। बस आपसे इतनी सी इल्तजा है कि अगर कुछ पैसे भिजवा देते, मेरा पेंशन हर महीने 5,000 रुपए। आगे पीछे कोई भी नहीं है, मेरा कोई बेटा भी नहीं है जिसे मैं कह सकूं, जिससे मांग सकूं, तो आप ही कुछ कर सकते हैं प्रभु। ये चिट्ठी पढ़ते ही मगन चाचा के दिल में कुछ हुआ। उन्होंने ये चिट्ठी जो थी वो पोस्ट ऑफिस के सॉफ्ट बोर्ड पर लगा दी। आता जाता हर इंसान, हर कर्मी उसे पढ़ पाता। जितने भी कर्मचारियों ने उस चिट्ठी को पढ़ा उनकी आंखें भर आई, अपनी जेबें टटोलने लगे और उसमें से जो पैसे निकले वो उस बॉक्स में डाल दिए उन्होंने जो मगन चाचा ने उस बूढ़ी औरत के लिए बनाया था। जब मगन चाचा ने देखा तो उसमें काफी पैसे कलेक्ट हो चुके थे और टोटल कुल मिलाकर थे 4,700 रुपए। मगन चाचा बड़े खुश हुए। देरी न करते हुए उन्होंने सारे पैसे कलेक्ट किए और एक लिफाफे में डालकर उस बूढ़ी औरत के एड्रेस पर भेज दिए। उस दिन पोस्ट ऑफिस में हर कोई बहुत ही खुश था। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी कि उन्होंने कोई अच्छा कार्य किया है, वो भी दिवाली से पहले। कुछ दिन बीते और पोस्ट ऑफिस में एक और चिट्ठी आई जिसपे पर लिखा हुआ था भगवान। हैंडराइटिंग वही थे तो सब लोग पहचान गए। सब लोग उतावले हो रहे थे कि आखिर इसमें लिखा क्या होगा। मगन चाचा के इर्द गिर्द खड़े हो गए। मगन चाचा ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ना शुरू किया तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। उसमें लिखा हुआ था कि हे भगवान, आपने मुझे पैसे भिजवाए, मैं आपका किस तरीके से धन्यवाद अदा करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो दूर से मेरे दोस्त लोग मुझे दिवाली की मुबारकबाद देने आए थे उन्हें भी अच्छे से खिला पाई और मेरा पूरा महीना भी चल गया। लेकिन बस एक छोटी सी बात, आपने जो पैसे भिजवाए थे वो थोड़े कम थे, मतलब 4,700 थे, 5,000 नहीं। ये 300 रुपए मुझे लगता है ये पोस्ट ऑफिस वाले चोरों ने चुराए होंगे। सुनते ही सबके मुंह लटक पड़े थे। मगन चाचा के दिमाग में जो विचार आया था उसके लिए अंग्रेजी में एक कहावत है कि अ गुड डीड नेवर गोज अनपनिश्ड। अच्छा काम करो उसमें भी लोग नुक्स ढूंढ ही लेते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अच्छा कार्य करना बंद कर दें। हर किसी की अपनी अपनी सोच है, उसे वहीं छोड़ दें। लेकिन हमारे लिए सोचने लायक एक बात, कितना कुछ है दुनिया में देखने के लिए। इतना कुछ है इस दुनिया में देखने के लिए, मन की आंखों से अंदर देखें वो सबसे बेहतर। आपकी अर्चना के साथ है। और अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आती है तो हर हफ्ते मेरी इसी YouTube चैनल पे रखने की कोशिश करती हूँ। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगता है।